तो मुझे काफी टाइम से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे आप लोगों को प्रमोशन की वीडियो कैसे मिलते हैं, कितने फॉलोअर होने चाहिए। बोलते हैं कि इस बार फ्री में कर दो, अगली बार देंगे, फिर अगली बार उनका कभी आता ही नहीं है। और कुछ जो फेमस और स्टार्टिंग में आप लोगों को ना 300 रुपये 200 रुपये में भी मिलते हैं, तो आप बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना प्रोडक्ट मेरे से फ्री में प्रमोशन करवाना चाहते हैं। बहुत मैंने अपना पहला प्रमोशन ना कितने में किया था लास्ट में बताया यार, तो ब्लड भी निकाल दिया यार। वो जो भी ना फैशन हमेशा दूसरा ही रहता है गाइस, शर्ट को देखो मैंने इतने नहीं होते हैं, जिसके जितने अच्छे व्यूज आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलता है, रेगुलर काम देता है, तो मैं उससे फिक्स पैसे लेती हूँ, मतलब उससे मैं थोड़ा सा कम लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं सॉन्ग वगैरह। वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल गाइस, आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह 9 बजे से, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया, बस ब्रेकफास्ट नहीं किया, चाय पिया एंड पति देव जी ने भी। सो आज मैंने काफ़ी टाइम मतलब एक साल होने वाला है इस सूट को पहने हुए, सो ये वाला सूट मैंने आज काफ़ी टाइम के बाद पहना है। इसके साथ मैंने जो चूड़ा सेट डाला है ये मेरी शादी के दिन का है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर रखा है। अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं इंजेक्शन लगाने, सो चलते हैं। जिंदगी में आज लम है खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जब हम लोग आ गए घर इंजेक्शन लगा के और ये देखिए यार, तो ब्लड भी निकाल दिया यार, वो जो भी नर्स थी मतलब बहुत पेन कर दिया इंजेक्शन लगाने में। बाकी कूड़े की गाड़ी भी आ गई है, सो कूड़े की गाड़ी में कूड़ा फेंकती हूँ, ये किसी भैया का पार्सल लेके आई हूँ मैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, अब वो अपनी ड्यूटी में चले गए हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं कर रखा, ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ, भूख लगती है। 11 बज गए, मैं ना कुछ खा लेती हूँ, कूड़ा भी फेंक दिया है, ये देख सकते हो आप कूड़े का डब्बा मेरा। और पता नहीं आज इसमें मेरा मुँह अजीब ही टाइप में आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ठीक आ रहा है। अब गाइस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वैसे हम लोगों ने नूडल ऑर्डर कर रखे हैं, सो वो अभी पार्सल कर देंगे 11-12 बजे तक। बाकी मैं कुछ शेक वगैरह पी लेती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और यार खतरनाक भूख लगती है मुझे। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी लंच में हमारे क्या है, पार्टी कर रहे हैं हम, नूडल्स मंगाए थे हमने यार, थोड़ा काफी लेट हो गया, नींद नहीं भी लग रही, कोक इंजेक्शन लगा ठीक हुआ तेरा गद्द करके गोदा ना आज बहुत ही गंदा गोद है यार, लगा लगाना ही नहीं आया इस एमएनएस को बन जाते हैं। और मैं जो ये नूडल हम लोगों ने ऑनलाइन मंगाया था ना, मतलब वो उतना खास क्यों आया था, उस टाइप पे हम लोगों ने 2 हाफ मंगाया था, 1 हाफ ही खाया, 1 हाफ पूरा ऐसे ही था, तो इसमें मैंने दोबारा छौंका वगैरह लगा के अच्छा सा बना दिया, मिर्ची मिर्ची लगा के और थोड़े सा प्याज कट करके मैंने अपने खाने के लिए रख दिया। थोड़ा मैं खाऊंगी, थोड़ा मेरे पति खाएंगे। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई आज, और डॉक्टर ने यार मतलब जो नर्स थी ना बहुत ज़्यादा पेन कर दिया, तो जो स्नैक्स बोले थे कि उनका हाथ बहुत कठोर है बोले थे, मतलब किसी के हाथ से दर्द होता है किसी के नहीं ना, तो इंजेक्शन तो मुझे पहले भी लगा, पेन हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ जितना इस बार, तो हड्डी वाला हो गया सबसे में। सो मैंने अभी एक आंवला खाया, मैंने बोला था ना कि मैं आंवला लेके आई हूँ, करके आंवला खाया मैंने पहाड़ी नमक के साथ। सो अब मैं ये नूडल खाती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, लगता है। वैसे मुझे ना नूडल्स के साथ चाउमीन मतलब मोमो वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है, और आप लोगों को दूसरा ही रहता है गाइस, शर्ट को देखो मैंने इतने नीचे कर रखा है, क्योंकि गर्मी होती है ना तो फैला फैला ही ठीक लगता है गले से कुछ भी। अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है घर में, मैंने इसमें मसाला वसाला डाल दिया तो अब अच्छा लग रहा है ये खाने। गाय जो भी मैंने सब्जी कट कर दी, कौन सी गोभी, बंद गोभी। तो फ्रेंड्स अभी आ रखे हैं हम छोटे कॉम्प्लेक्स में और गोलगप्पे खाने, और हमने एक साथ ले लिए आज सही नहीं है ना, मैंने भी टेस्ट की पानी में कुछ कमी, हाँ शायद पानी में कमी है, इसमें जूम करते हैं ये क्या ब्लैक ब्लैक, अरे जीरा जीरा हो गया। पिज्जा लिया आज, पिज्जा नहीं खा रही है, पता नहीं क्यों नहीं खा रही पिज्जा, क्योंकि आज मुझे वीडियो बनानी है अपने इंस्टाग्राम, और फास्ट फूड ही खा रखा है इसने, बता सुबह से इंजेक्शन लगा और चाउमीन खाने में लगी है सुबह से। फ्रूट ले ले तू, पति देव का आ गया कॉम्प्लेक्स से, आज सिर्फ गोलगप्पे खाए, और हम लोग पता है 400 रुपये का फ्रूट लेके आए, ये देखिए
दूध आने से 70 रुपए के हैं ये, 36 का खीरा और ये और अंगूर कहाँ गए, और 160 के आधे कीजिए अंगूर, इतना महंगा हो रहा है सच में बोल रही हूँ। और फिर यहाँ पे कितने पैसे दिए, और यहाँ पे भी 250 रुपये दाल वाल भी महंगी दी, तो इसे मैंने कट करके गर्म पानी में मिला दिया था उबलते हुए पानी में। अब मैं सब्जी बनाती हूँ गैस, फिर मिलते हैं। काफ़ी टाइम से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे आप लोगों को प्रमोशन के वीडियो कैसे मिलते हैं, कितने फॉलोअर होने चाहिए एंड कितने रीच जाने चाहिए वीडियो के, कितने व्यू जाने चाहिए, ये सो करके। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। बाकी मैंने खाना वाना बना लिया, सब्जी बना लिया मैंने, सो बस रोटी वगैरह बना ली है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले इंस्टाग्राम की बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे जो प्रमोशन वीडियो आते हैं वो कैसे आते हैं करके। तो सबसे पहले कि जब हम लोग इंस्टाग्राम पे मतलब अपने अकाउंट पे एक्टिव रहते हैं, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो रील वगैरह पोस्ट करते हैं, तो हमारी रीच काफ़ी अच्छी जाती है, मतलब लोग देखते हैं, रोज हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी रीच अच्छी जाती है, मतलब व्यूज वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं। और इसका ये कुछ भी नहीं है कि कितने फॉलोवर होने चाहिए, अगर आप लोगों के 10,000 फॉलोवर हैं और आपके उसमें 20-30,000 40-50,000 के आसपास अगर आपके हर वीडियो में व्यूज आ रहे, तो आपको आराम से प्रमोशन वीडियो मिल जाएगी। और जैसे और पैसों का क्या होता है, जिसके जितने अच्छे व्यूज आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलता है। और जो मुझे जैसे मेरा ना फिक्स है कि कोई मुझे फिक्स काम देता है, मतलब रेगुलर काम देता है, तो मैं उससे फिक्स पैसे लेती हूँ, मतलब उससे मैं थोड़ा सा कम लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं सॉन्ग वगैरह या किसी भी चीज़ का प्रमोशन करती हूँ तो उससे मैं फिक्स लेती हूँ। बाकी जो मुझे कभी कभी देता है तो वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पे करते हैं, क्योंकि वो अपने मतलब के लिए कभी कभी बनाते हैं, ठीक है, वो मुझे नहीं, हर किसी का ऐसा ही होता है। और दूसरी बात ये कि वो लोग आपको मैसेज कैसे करते हैं, आपके साथ कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं, सो ऐसा होता है कि मेरे उसमें ना बहुत सारे मैसेज आए रहते हैं, तो सारे मैसेजों का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट कुछ लोग मुझे क्या बोलते हैं, बहुत लगातार मैसेज करते हैं, सो उनका मैं किसी का रिप्लाई दे देती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि इनका प्रमोशन है करके। और काफ़ी लोग तो झूठ भी बोलते हैं कि हमें पेड प्रमोशन करना है ये सो करके। और हाँ, आज के टाइम पर मुझे खासकर उन लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ना, जो ट्रेडर होते हैं और जो वर्क फ्रॉम होम वाले होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका मैं बहुत कम कर, ट्रेडर का तो मैंने एक दो बार किया था, सो उनका मैं कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो लोग ना मतलब मुझे उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं है कुल मिला के कुछ रीजन के उससे। एंड वर्क फ्रॉम होम का करती हूँ मैं प्रमोशन, वो भी खास लोगों का जिनका मुझे लगता है कि हाँ कि ये ट्रस्टेबल है, और जिन लोगों का काफ़ी लोगों ने बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने या यूट्यूबरों ने उनका प्रमोशन किया होता है, उनका ही करती हूँ मैं। और कुछ लोग तो फेक भी बोलते हैं, मतलब झूठ भी बोलते हैं। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे उसमें डेली मतलब प्रमोशन के 40-50 मैसेज आते हैं कि हमें अपने आईडी को प्रमोट करने हैं, वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग प्लीज कर दो, और कोई मुझे अपने प्रोडक्ट भी भेजना चाहते हैं, जैसे कि कपड़े, कोई लिपस्टिक वगैरह, सो मैं उनका प्रोडक्ट बहुत कम का लेती हूँ, मतलब क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को पहली बात अपनी लोकेशन और जो अपना एड्रेस है वो शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं भले कहीं पे भी रहूँ, अपना लोकेशन मुझे शेयर करना अच्छा नहीं लगता है। और जो कपड़ों वगैरह के आते हैं ना, मैं कुछ ही लोगों के रिप्लाई कर पाती हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना स्पेशली मुझे उतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो बाटर प्रमोशन बोलते ना, मतलब वो चाहते हैं कि हम अपने कपड़े भेजिए, 200-300-400-500 रुपए के कपड़े भेजिए वो, और हम ऐसे फ्री में प्रमोशन कर दें। क्योंकि हम लोग अभी, मैं 2019 लास्ट ईयर टिकटॉक बैन होने वाला था, उसे 10-15 दिन या एक महीने पहले आई थी, तब से मैं उसी के बाद मैंने इंस्टाग्राम भी खुला, यूट्यूब भी खुला, तब से एक्टिव हूँ। अगर मैं 4-5 साल से मेहनत करी तो 400-500 की उसे, मतलब 400-500 के कपड़ों की उसे मैं अपना, मतलब जो मेरे अकाउंट का रीच वगैरह वो डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें बस अपने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं और उनकी क्वालिटी ओके होती है। और फिर जो मेरे फॉलोवर वगैरह हैं उनसे वो काफ़ी ज़्यादा पे लेते हैं, मतलब मैं से बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो मैं कुछ प्रोडक्ट का नहीं करती, जैसे मैं प्लिक्स का हमेशा करती हूँ, क्योंकि वो ट्रस्टेबल है और उसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे, तो मैं उसका करती हूँ। और कपड़ों का भी मैं किसी का करती हूँ, जैसे छल्ले वल्ले या किसी का भी करती हूँ ना मैं, तो मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे उससे कोई और
रिस्क में आए करके, तो कुछ चीजें ऐसी होती है मैं स्किप कर लेती हूँ, मतलब नहीं करती मैं तो बहुत लोगों का प्रमोशन नहीं करती हूँ, वरना वर्क फ्रॉम होम वाले तो मेरे उसमें बतेरे मैसेज आते हैं और आईडी को प्रमोट कर दो प्लीज प्लीज। और कोई कोई तो ऐसे भी होते ना जो चाहते कि उनका प्रमोशन हम सिर्फ 100 रुपये में 200 रुपये में कर दे। अगर हम किसी को ऑडियंस दे रहे हैं, अपनी ऑडियंस दे रहे हैं जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से कमा रखा है, तो 100-200 रुपये का क्या ही करना, तो मैं नहीं करती हूँ। और बाकी रही बात तो मैं और रही बात खर्चा कैसे निकालती हूँ, तो मैं फिक्स लोगों का प्रमोशन करती हूँ, सॉन्ग प्रमोशन वगैरह प्रोडक्ट का भी, और इसके साथ मैं कुछ और चीज़ें भी करती हूँ जैसे साइड बाय साइड होता है अपना, और मेरा यूट्यूब वगैरह भी है तो यूट्यूब से भी मुझे अर्निंग हो जाती है। और इंस्टाग्राम से ऐसा होता है ना जो मेरे हॉबीज होते हैं, मतलब जो मेरे शौक पूरे होते हैं, मैं कपड़े वगैरह चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी जो ऐसी चीज़ें होती हैं या ऑनलाइन कुछ भी मंगाना, तो वो मेरा ईजिली निकल जाता है वो खर्चा। जैसे कोई मुझे एक रील का 1200 देगा, कोई 1500 देगा, और कोई जैसे 2000 देता है, कोई 2500, मतलब कितने व्यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से होता है। और जो जैसे कुछ फिक्स प्रोडक्ट का करते हो तो उनका जैसे 3000 4000 5000 6000 ऐसा होता है, तो मेरा खर्चा निकल जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत हाई फाई जिंदगी जीऊँ, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है। और जो मेरे साथ के मतलब जिनके मेरे बराबर फॉलोवर हैं, 1,61,000 के आसपास मेरे फॉलोवर हैं, तो जिनके इतने फॉलोवर हैं ना उन्हें पता है कि मैं मतलब सही बोलूँ करके, क्योंकि वो भी सेम यही करते हैं। और काफ़ी मेरे दोस्त लोग भी हैं जिनके मेरे बराबर फॉलोवर है, तो उनसे भी हमारी बात होती रहती है, एक दूसरे से हमारी बात होती है। कोई किसी को प्रमोशन देता है तो वो मुझे बताएगा, या मैं मुझे कोई देगा तो मैं उन्हें बताऊँगी, तो ऐसा थोड़ा बहुत चलते रहता है कहीं पर भी। सो ऐसा होता है, एक रेल का 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, 2,500 इस टाइप का मिल जाता है। और बाकी जो बटर कोलाबरेशन के लिए आते हैं उनका मैं कमी करती हूँ। और बाकी मेरी जीमेल आईडी में, यानी कि मैंने यूट्यूब चैनल के वहाँ पे अपनी एक जीमेल आईडी दे रखी है, वो जीमेल आईडी तो मैं ओपन ही नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें इतने बधेरे मैसेज पड़े ना, बधेरे मतलब बहुत सारे मैसेज पड़े हैं। और यूट्यूब पे जो मुझे प्रमोशन के लिए देते हैं तो मैं उनका नहीं करती हूँ, क्योंकि वो गेमिंग वगैरह वाला देते हैं ना बहुत ज़्यादा, क्या क्या होता है ये पता नहीं, बहुत गेमिंग चैनल नहीं खुल गए आजकल, गेमिंग एप्स खुल गए जिसमें पैसे लगाने पड़ते हैं। और एक लड़के के साथ आजकल आपने सुना होगा बिहार साइड के, हूँ भैया कहाँ के, 96 लाख रुपये हार गए। सो इस चीज़ का मैं प्रमोशन कभी भी नहीं करती गेम ऐप वगैरह, नहीं तो मुझे काफ़ी DM आते हैं प्रमोशन की, आपकी वीडियो अच्छी आजकल अच्छी रीच आती है प्रमोशन करते, पहले से भी आते हैं। वैसे यूट्यूब पे ना प्रमोशन बहुत आते हैं, बस हम पे डिपेंड होता है कि हम उन लोगों के साथ कैसे बात करें, उनसे कैसे डील करें करके, तो ऐसे प्रमोशन वीडियो वगैरह मिल जाती है। गाइज अगर आप लोग भी यूट्यूब पे या इंस्टा पे आना चाहते हो तो आप हमेशा मतलब उसमें ना कंटिन्यू वीडियो डालती रहो। जैसे आपका रील बनाने का है डांस का, तो लगातार एक दिन में कम से कम 2 या 3 रील डांस पोस्ट करो, या कॉमेडी वाला है तो कॉमेडी वीडियो। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहले तो मैं डेली जब गांव में थी लॉकडाउन, डेली मैं नए नए कपड़ों में वीडियो बनाती थी, तो मुझे भी अच्छा लगता था। आजकल मेरा थोड़ा मन कम हो गया, मैं आजकल ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, बाकी यूट्यूब पे आप लोग मेरा देखते हैं, मैं प्रमोशन बहुत कम चीज़ों का करते हैं यूट्यूब पे भी, क्योंकि भरोसा नहीं होता गाइस, फिर मेरे उससे किसी का नुकसान हो मैं ये नहीं चाहती, और फिर ऐसा ही होता है यू नो। तो मैं जीमेल आईडी आप लोग देखिए ना मेरे यूट्यूब के उसमें बायो में, लेकिन मैं किसी का भी नहीं करती क्योंकि मुझे खुद ही मतलब उतना ब्लेम नहीं होता, फिर क्या करना यार खाली गेमिंग वेमिंग का, क्योंकि मेरे उसमें जो अधिकतर लोग जुड़े हैं वो सारे पहाड़ साइड के हैं, और जितना मैं मानती हूँ पहाड़ साइड के लोग मतलब बहुत सीधे साधे होते हैं, तो एकदम से ट्रस्ट कर लेते हैं, और हर किसी के पास उन लोगों को देने के लिए उतना पैसा भी नहीं होता है, तो मैं इन चीज़ों का प्रमोट कम ही करती हूँ, खाली मेरा भी नुकसान दूसरे का भी क्यों नुकसान करना हो रहा है करके, तो यही है। बाकी ये कि मैं अपना खर्चा यूट्यूब से भी निकाल लेती हूँ और इंस्टा से भी, इंस्टा में तो आजकल मैं बहुत कम एक्टिव हूँ तो मैं खास अर्निंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जब लगातार एक्टिव रहती हूँ तो मेरा अच्छा खासा निकल जाता है, मतलब अपना सारा स्वागत कर लेती हूँ, खाने पीने में कर लेती हूँ मतलब। और जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे कपड़े वपड़े लाने का बहुत शौक है, तो ये सब चीज़ें मेरा निकल ही जाता है उससे। बाकी यार इतना ही, वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, सो मेहनत करो, लगातार वीडियो डालो। और स्टार्टिंग में ना मैंने जो इंस्टाग्राम पे जो फर्स्ट वीडियो थी वो उसका मैंने प्रमोशन 300 रुपये में किया था, सो 300 रुपये भी बहुत होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, और उस टाइम पे मेरे फॉलोअर 45,000 थे, तो सोचो मुझे उतने लेट में प्रमोशन मिल गया। आजकल तो हर किसी को 5,000 10,000 में भी प्रमोशन मिल जाता है, और
जब मैंने ग्रो करना शुरू किया था उस टाइम पे प्रमोशन का इतना कुछ था नहीं, मतलब कुछ नहीं था। लोग चाहते थे कि उनके नए नए सॉन्ग आए और हम लोग फ्री में वीडियो बनाए। मैं तो बनाती थी, अभी भी बनाती हूँ सबका फ्री में, बहुत लोगों का बनाती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा मेरे पास भी खुद टाइमिंग नहीं हो पाता और टाइम के अभाव की उससे मैं नहीं बना पाती हूँ। बाकी यार सब लोग चाहते कि उनको प्रॉफिट हो, दूसरे को ना हो, लेकिन तो मेरा ऐसा है कि मैं चाहती हूँ अगर मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे लोग ऐसे होते हैं अपना प्रोडक्ट मेरे से फ्री में प्रमोशन करवाना चाहते हैं। बहुत सारे सिंगर ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि इस बार फ्री में कर दो अगली बार देंगे, फिर अगली बार उनका कभी आता ही नहीं है। और कुछ जो फेमस सिंगर भी हैं उनका तो मैंने कितना रील वगैरह बना रखा है फ्री में, वो उनको भी पता ही है और मुझे उसके लिए वो लोग हमेशा थैंक यू भी बोलते ही हैं। सो ऐसे है ना कि मिलजुल के रहो तो काम भी मिल जाता है और सब कुछ अच्छे से चलते रहता है। सो अब मुझे बनाने है रोटी, तो मिलती हूँ मैंने दिन और नए ब्लॉग के। आज इंजेक्शन लगाने वक्त बहुत ज़्यादा पेन हुआ और अभी भी पेन हो रहा है और मैंने ये चूड़ा डाला है, जो इसमें मेहरून कलर का चूड़ा है ना, ये मेरे शादी के दिन का है। बाकी जो किनारे किनारे में लगा रखा है ये तो नॉर्मल कड़े के साथ, रेड वाले चूड़े के साथ का है। तो गाइज वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नए दिन और नए स्टार्टिंग में आप लोगों को ना 300 रुपये 200 रुपये में भी मिलता है, तो आप कर दिया करो। फिर एक टाइम के बाद अगर आपको खुद लगने लग जाएगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और प्रमोशन के बदले ये लोग इतना कम पे कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को फ़ायदा तो होता है तभी वो लोग प्रमोशन करते हैं, तो फिर अगर आपको वो ठीक पे नहीं करते तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी अपने ऑडियंस से दे रहे हो तो ऐसा होता ही है। जैसे जो ठीक ठाक पे करे उसका प्रमोशन करो, बाकी स्टार्टिंग में तो फ्री में ही करना पड़ता है गाइस सबका, क्योंकि मैंने तो सबका फ्री में कर रखा है स्टार्टिंग। आजकल मैंने थोड़ा सा कम कर लिया, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से दे रही हूँ तो उनको प्रॉफिट होता ही है, तभी वो प्रमोशन देते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल नए यूट्यूब पर आए हैं, इंस्टाग्राम पर आए हैं, तो आजकल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उनके लिए बता रही हूँ। मतलब स्टार्टिंग में तो सब कुछ फ्री में करना पड़ता है, मैंने तो अभी तक सब कुछ फ्री में कर रखा है। मैं कुछ एक दो साल से ही लोगों से वो लेती हूँ, वरना मुझे 2019 लास्ट में आई मैं, तब से थोड़ा लोगों का ऐसे फ्री में करे थे। एक डेढ़ साल से ही मैंने लोगों से थोड़ा मतलब कि भाई अगर काम करवाना है तो उसके बदले पे करना पड़ेगा, ये तो मैं बोल देती हूँ। और बाकी बहुत सारे लोग मुझे एड्रेस मांगते हैं कि मेरे लिए गिफ्ट भेजना चाहते हैं, कुछ भी भेजना चाहते हैं, उन लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। बाकी यार गिफ्ट की रही बात ना, तो आपके पास भी इतने पैसे नहीं होते होंगे, जो आप लोग मुझे गिफ्ट दोगे उन पैसों का आप अपना कुछ शौक पूरा कर लेना, कुछ खा लेना पी लेना। तो यार बस इतना ही है, मिलती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। प्रमोशन करो सोच समझ के करो, जिसमें आपको भी फायदा हो, दूसरे इंसान को भी फायदा हो। इसका टाइम बहुत लेट डिनर हो रहा है हमारा, तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं गाइस। पति देव मान गए हैं।